नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BTCIZN में। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में ITI के अप्रेंटिस एक साल का ट्रेनिंग करने आते हैं। प्रत्येक ट्रेनिंग बैच से हम एक मॉडल स्क्रैप आइटम से बनाए जाते हैं। इस बैच ने ये मॉडल्स बनाया है स्क्रैप आइटम से। ट्राइसेराटॉप का मतलब है तीन सींग वाला फेस। तो ये डायनासोर फैमिली का एक एनिमल है ट्राइसेराटॉप, जो विभिन्न प्रकार की स्क्रैप आइटम से बनाया गया है। जो आइटम, जो सामान हमारे लिए एक कबाड़ है, उस कबाड़ से ये बनाया गया। इसमें ये वायर रोप्स लगाया गया है, इसमें फैन के ब्लेड लगाए गए हैं, अंदर पुराने बिल्डिंग का निकला हुआ सरिया लगाया गया है, पाइप्स लगाए गए हैं, नायलॉन हुक्स लगाए गए हैं। तो विभिन्न प्रकार के स्क्रैप आइटम से ये मॉडल बनाया गया है। इसको बनाने में स्टार्ट से आगे तक कितने स्टेप से बनाया गया है, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई जाए। ट्राइसेराटॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर्स पर उसका एक डिज़ाइन तैयार किया गया, एक वायर फ्रेम तैयार किया गया था, उसमें स्किन कलर देकर उसको पेपर पे प्रिंट करके तैयार कर लिया गया था। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लगाया गया है। इस सब मैप को बड़ा करके बनाएंगे। मैप को बड़ा करने के लिए हमको फिर बहुत बड़ा है, कोई कागज चाहिए या कोई वैक्सीन चाहिए, कोई पीस चाहिए। तो हमने सीट का पुराना सीट का निकला हुआ स्क्रैप आइटम से ये बहुत बड़ा सीट चिपका के बहुत बड़ा सीट बना लिया गया। ठीक है, इस मैप को बनाने के बाद हमने डिसाइड किया कि कितना हाइट होना चाहिए। तो एप्रोक्स हाइट डिसाइड हुआ कि इसको 6.5 फीट के आसपास बनाया जाना है। तो हमने डिसाइड किया कि 12 गुना इसका इस मैप से ये मैप बनेगा। तो जो हमने रैक्सिन मिला है, ये बहुत बड़ा रैक्सिन बना लिया गया था। इस पर 6 इंच का मैट्रिक्स बना रहे हैं। निशान से लगा के दिखा दो। ये बनाने के बाद हमने इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स बना लिया गया और इसके मैप के हिसाब से लेआउट किया कि कौन से खाने में कितना पोर्शन आता है। तो 6-6 इंच का मैट्रिक्स बनाया गया है, इसमें 1/2 इंच का बनाया गया था। 12 गुना लेआउट किया जा रहा है, तो इसमें कितना मैट्रिक्स बनाया जा रहा है उसके हिसाब से मैट्रिक्स बना दिया गया है। तो लगभग निशान लगाने के बाद हमें फ्लो में निशान चाहिए, जो एकदम सही से रोटेशन में आके ऐसा लगे कि टेल्स बनाए वो बना है। उसके लिए हमने मार्किंग करने के बाद इसकी आउटसाइड लाइंस बहुत अच्छे से स्मूथ हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा रॉड लिया गया है। उसको बीच बीच में मार्किंग के हिसाब से फ्लो में पकड़ा गया है और उसी तरह से इसमें निशान लगाया गया। ये फाइनल निशान इतना स्मूथ लगा कि जिससे वास्तव में लगे कि पूंछ पूंछ की तरह जा रही है। निशान लगाने के बाद हमें कटिंग चाकू के नीचे सनमाइका लगा लिया और इससे इतनी आसानी से कटता, बस हम ऐसे करके मूव कर देंगे और ये ऐसे कट जाता है एकदम फिनिश। उसी तरह से सारा लेआउट की आउटलाइंस काट दी गई है। कटिंग करने के पश्चात जो बाहर बाहर के रैक्सिन के पीस सारे हटा दिए गए हैं और सबको अलग करके एक टेम्पलेट हमारा रेडी हो गया है और ये टेम्पलेट बनकर तैयार हो गया है। लगभग इस तरह का ट्राइसेराटॉप्स बनेगा। इस टेम्पलेट के अनुसार एक सरिया ऊपर एक नीचे मोड़कर बीच से कनेक्ट कर दिए गए हैं। उस लेआउट को हमने यहाँ पर लाके टांग दिया है। दो हैंगर्स आगे, दो हैंगर्स पीछे स्टैंड बनाकर उसको टांग दिया गया है, जिससे एक आइडिया लग रहा है कि ये इस तरह का ट्राइसेराटॉप्स बनेगा। और ये पाइप अलग लगा दिया, दोनों को आपसे कनेक्ट करते पूरा सीधा सच्चा सा खड़ा करके लगाया गया है। और ये फाइनल वेल्डिंग्स, जो हमने सपोर्टिंग वायर्स लगाए थे उसकी फाइनल वेल्डिंग्स कराई जा रही है, जिससे मजबूत पाइप के साथ लग जाए। ये मोटे वाला पाइप अब उसकी मोटाई का डिजाइन किस तरह से होगा, तो जो कंप्यूटर पर लेआउट बनाया गया था उसको बीच से पूंछ को काट कर देखा गया है। हमने सॉफ्टवेयर पर वो पूंछ को काटा गया है और उसको घुमाकर ये देखा गया है कि पूंछ इस तरह से मोटाई के डिजाइन में बनेगी। इसको कागज पर प्रिंट कर लिया गया है, फिर बीच से भी काटा गया है, जिससे बीच से पता चले कि किस तरह का डिजाइन बनना है। तो ये सारे डिजाइन कागज पर प्रिंट कर लिए गए हैं। प्रिंट करने के उपरांत जिस तरह का प्रिंट है उसी रेशों में जमीन पर एक बहुत बड़ा लेआउट बनाया गया है उसकी हाइट के हिसाब से, और वो सरिया लाके यहाँ लगा दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये उस तरह का डिजाइन बनेगा। उसी तरह से अलग अलग 3-4 जगह पूंछ का सेक्शन काट के प्रिंट करके उसकी रिंग बनाकर पूरा पूंछ तैयार किया जा रहा है। ये रिंग मोड़ रहे हैं अलग अलग जगह के
और वो रिंग को वेल्ड किया जा रहा है। इससे पूंछ का डिजाइन सारा फाइनल हो जाता है। ये पूरा पूंछ का डिजाइन फाइनल हो गया है। इसी तरह से बीच के रिंग्स बनाकर लगाए जा रहे हैं, जिससे पेट की मोटाई, पैर में कितना डिस्टेंस है, उस पैर की लोकेशन पर कितनी मोटाई का रिंग बनेगा, ये सारा रिंग बनाकर लगाया गया है। ये एक बीच में बहुत मोटा पाइप लगाया गया है, जिससे ये एक जैसे रीढ़ की हड्डी जैसा काम करेगा, जिससे सारा लोड ट्रांसमिट होगा। इसी को देखते हुए अब पीछे वाला पैर का पाइप हमने फिक्स किया है, नाप तोल कर के कितना मोटा पाइप कहाँ पर लगाया जाना है, पैर की चौड़ाई के हिसाब से, दूरी के हिसाब से ये पैर लगाने का पाइप वेल्ड कर दिया गया है। इसी तरह से आगे वाला पैर कहाँ की लोकेशन पर आएगा, नाप तोल कर वहाँ पर लगा कर वेल्ड कर दिया गया है। इससे दोनों पैर की लोकेशन फाइनल हो गई है। अब ये रिंग्स जितने लगा दिए गए थे पूंछ पर, उन पर इस तरह से एक सरिया लगाकर सारे रिंग्स को कनेक्ट करके भी वेल्डिंग कर दिया जा रहा है, जिससे सारे रिंग आपस में मजबूती से एक दूसरे को पकड़कर मजबूत जाल तैयार कर लेंगे। और ये पूरा एक लगभग मजबूत जाल तैयार हो गया है। इसका सीन बनाने के लिए हमने एक पाइप को मोड़ने का प्रयास किया, तो हमारा जो है कटलिंग मोड़ पा रहा था, तो दूसरी शॉप में मुड़वाया गया, ये लगा रहा है। सिंक आगे से पतला होता है तो इसके अंदर फिर पतला पाइप लगाया गया, और नुकीला होता है तो इसको थोड़ा सा कट करके नुकीली से देने का प्रयास किया। एक सिंक इसके नाक पर गया था तो मोटे पाइप का चोट बना के यहाँ लगाया गया है। सिंह का प्रोफाइल नहीं है, बाइक फोन में आया कि सिंह ऐसे बना सकते, अब इस पाइप को यहाँ से हटा देंगे, जिसको चोट बनाने का काम किया जा रहा है। ट्राइसेराटॉप की नाक बनाने के लिए हमें काफ़ी ध्यान रखना कि हम घर पर भी जाते थे, तो सोचे कि नाक कौन से इस तरह मेटेरियल की बनाएगी, तो हम काफ़ी अफसोस में थे कि वो गोलाई ऐसे भी रहती है, आगे को भी मुड़ी है, तो ऐसे हमारा आदमी कतर मोड़ेगा घर, या कौन से स्ट्रैप आइटम से लेकर बनाएंगे, वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल थे। पर सुबह को भी काफ़ी टेंशन था, मंजर लग रहा था, मेरे बेटे ने पूछा, व्हाट्सअप पूछते थे कितना डायनासोर का काम हो गया, तो मैं उन्हें बताता रहता था, तो मैं कुछ परेशान सा था, बेटे तुम्हें क्या परेशान है, तो क्या मेरे उसका नाक इस तरह का गोल होना, ऐसे भी गोल होना, चौंस से बनना, तोते जैसी नोक बनना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन से आइटम से करूँ। तो उसने बोला सोल्यूशन तो आपके सामने है, अब वॉश मशीन स्टील वाली रहती है, उसको काट के जोड़ दीजिए। तो मैं स्टील का एक वॉश मशीन मंगाया और ये ऐसे काट दिया, ये काट के निकाल दिया, क्योंकि ये ऐसे भी गोल था और ऐसे भी गोलाई में था, ये काट के निकाल दिया और दो उठा के लोग और दो वॉश मशीन को काट के मैं ऐसे जोड़ दिया हूँ, जिससे ऐसी गोलाई आ गई, और फिर से एक पीस मिला के इसका ये शेप देने का, ऐसे सोच बनाने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। अरे इसे अंदर से ऐसे टाइप रहता है, उसके लिए ये सब हमने सरिया मोड़ के लगा दिया गया है, उसी में सब वेल्डिंग करके इसे फाइनल शेप देने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ से लेके वहाँ तक फाइनल तक देने का कोशिश किया जा रहा है, फिर इसको भी कवरेज का पता जाए कि किस तरह से बन गया। ये मुँह लगभग करके रख गया, इसका मुँह चौंस की तरह रहता है, चौंस बना कर रख दिया है, दोनों सीन लगभग फाइनल। अब इसका स्ट्रक्चर भी सब फाइनल कर देंगे, पीछे से वो फाइनल पर क्या रहे, हम आगे स्ट्रक्चर पूरा करें, पीछे से फाइनल कवरिंग करके आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे वायर बॉक्स है, इसमें शार्प मोड है, इसको खोल के इसे साफ करके इसे सीधा करके रखा जा रहा है, इसमें सीधा करने वाला होगा। और हमारे महेश, इसमें हमारे महेश स्पोर्ट्समैन ये सब सीधा करके, तो सीधा करके ये सब छट करके यहाँ ढेर लगाया जा रहा है, ये सब ढेर लगा यहाँ से उठा के वो आदमी उधर बांधने का कार्य कर रहा है। तैयार हो गया है,
इसके नीचे की तरफ हम बायो टैंक में जो सेफ्टी बायो रोप्स लगे रहते हैं वो हमारे पास बहुत इस तरफ रहते हैं जो स्टोर को कंडम करके भेज दिए जाते हैं, उसको लगा के वो भी कवर किया जा रहा है। ये हम बायो रोप लगा रहे हैं पूरा यहाँ तक कवर कर देंगे बायो रोप से, तो नीचे का फिनिश सरफेस बायो रोप से ये सब गैंग बायो रोप फिटिंग कर रहे हैं। बस बॉडी को कवर किया जा रहा है, ये सब जमा वायर है, ये हमारा बायो टैंक का वायर बॉक्स रहता है, इस पर वायर बॉक्स एक 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 करके पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाया जा रहा है, वायर बॉक्स फिटिंग किया जा रहा है, ये सब वायर बॉक्स बना रहे हैं। दूर से आए चेहरा भी इधर से भी ले लीजिए, इधर से इधर पोर्शन हम बायो रोप से कवर करेंगे। ऊपर का पोर्शन ये कोच में जो फैन लगा रहता है उसका ब्लेड है, और इस ब्लेड को हमने ऐसे काट के देखो नीचे देखो ब्लेड लगाएगा ऊपर की बॉडी कवर करेंगे, जिसमें ऊपर रफ सरफेस हम डेवलप करना चाहते हैं इस तरह फाइटन से, और नीचे वायर रोप से फिनिश सरफेस काम करने के बाद ये ट्राइसेराटॉप्स को वर्कशॉप से बाहर निकाला गया है, क्योंकि अंदर वजन ज़्यादा हो जाता तो बाहर नहीं रखने में फिर परेशानी टूट फूट हो सकता था। एक मोबाइल क्रेन के द्वारा अंदर से बाहर एरिए में लाया जा रहा है, जिससे आगे का काम बाहर के एरिए में कर लेंगे, जिससे क्रेन से हटाकर शिफ्ट करने में आसानी होगी। ये सब क्रेन से शिफ्ट किया जा रहा है, और आगे का कार्य बाहर रखकर ये रस्सा लगाने का कार्य और इसके पीठ पर फैन ब्लेड लगाने का कार्य किया जा रहा है, और ये सीमेंट रेता लाकर मुंह पर सीमेंट पोत कर उसका मुंह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी कार्य बाहर किए जा रहे हैं। इसमें ऊपर का लेयर एक से कवर किया जा रहा है, बाहर को बांधने का प्रोसेस हो रहा है, और अब इसमें सीमेंट लगाकर इसके मुंह का टेक्सचर देने का कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा सा हमें सीमेंट को मुंह पे लगाएंगे जिससे इसका टेक्सचर थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी इसमें आग की सेटिंग चल रही है, नाक की सेटिंग होगी, धीरे धीरे टेक्सचर का काम धीरे धीरे प्रोग्रेस पे किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा हाथी के पैर जा रहा है तो उसमें नाखून है, तो थोड़ा थोड़ा नाखून जिस चीज कवर आ रहा है वो सिर्फ ऐसा ना लगना चाहिए कि नाखून जैसा है, वो एकदम मेटल की प्लेट मोड के बना सकते थे, लेकिन मेरे पास उधर बोगी में गाइड बुक लगता था, हम इस गाइड बुक को ले आए हैं, और इसमें से काट के ऐसे पीसेस करके उसको बोल करके इसको नाखून की जगह सेट करने का प्रयास किया, पीस काट दिया है, और ये पीसेस काट के फिर हमने इसको घिसके थोड़ा सा फेंकने का कोशिश किया, हमारे ग्राइंडिंग करने सारे में एक प्लास्टिक प्लास्टिक जहाँ पर फैन ब्लेड में ज्यादा गैप है वहाँ पुट्टी लगाया जा रहा है, फैन ब्लेड्स के बॉर्डर्स पर पुट्टी लगाकर फिनिशिंग किया जा रहा है, जिससे कुछ स्मूथ सरफेस बन जाए, और ये मुंह पर सीमेंट लगाकर लगभग फाइनल की तरफ इसका मुंह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे कार्य हमारा एक्सपर्ट टीम सब कर रहा है, और ये हमारे पेंटर ग्रुप्स के एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से पुट्टी लगवाते हुए इंस्पेक्शन करते हुए सब चेकिंग करते हुए बाकी सारी टीम से लगवाए जा रहे हैं। एक हमारे साथी ने बताया कि इसको ऊंचा करने का ज़रूरत है, जिस गार्डन में लगाया जा रहा है वो कब ऊंचा रखना, उसकी बाउंड्री ऊंची है तो नीचे बेस लगाने का प्रयास किया जा रहा, नीचे बेस वेल्डिंग करे जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊँचा रखा जाएगा, और ये सब बेस वेल्डिंग करके ये सब तैयार किया जा रहा है। लगभग वेल्डिंग का कार्य फाइनल की तरफ अधिकतम आज ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सा मुंह का टेक्सचर बनाना, और जैसे जैसे कार्य फाइनल की तरफ बढ़ता जा रहा है उसी तरह से ट्राइसेराटॉप्स का फिगर एकदम ओरिजिनल की तरह दिखता जा रहा है। फैन ब्लेड्स लगा दिया गया है, जिसके कोच में एक हैमर टाइप रहता है जिसको घुमाते हुए लड़ाई करता है, तो ये दो
वॉश मशीन काट के इसको सेट किया गया, जिसे हैमर टाइप बनाने का प्रयास किया गया। ये रथ बन गया है और नाखून बनाया गया है, लग गया है बना के, फिर इसकी कल फिनिशिंग्स होगी। इसके छाते पर कुछ कांटे टाइप से रहते हैं, रिब्स रहती हैं, वो रिब्स लगाने का कार्य किया जा रहा है। नाप तोड़ कर वो निशान लगाए जा रहे हैं और वो रिब्स वेल्डिंग की जा रही है, जिससे इसके छाते का ओरिजिनलिटी महसूस होना चाहिए। ये रिब लगाने का सारा कार्य किया जा रहा है। अजय, इसमें सिंक की मोटाई बढ़ाने के लिए सीमेंट लगा के बांधा गया, कल इसे फिनिश किया जाएगा। इसका ये सिंक बना दिया गया लगभग। अब इसमें रिप होती है, ऊपर कांटे से लगे होते हैं, कांटे से प्लेट काट के फिक्सिंग किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, इसका काम चल रहा है। और ये सभी कार्य हमारे ITI के एक्ट अप्रेंटिस बहुत ही मेहनत से, बहुत सी लगन से सारा कार्य कर रहे हैं, जिससे ट्राइसेराटॉप्स बड़े अच्छे से बनाया जा रहा है। बीच में पेंटिंग कार्य और इसको क्रेन से उठाकर एक अलग लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। फिर से मोबाइल क्रेन से मंगाया गया है और ये फाइनल पेंटिंग के बाद फिर से ये ट्राइसेराटॉप्स मोबाइल क्रेन से उठाकर फाइनली मेन गेट के पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। अभी ये मोबाइल क्रेन से उठाकर धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाते हुए शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये ट्राइसेराटॉप्स फाइनल हो गया है और फाइनली उस पार्क में प्लेस किया जा रहा है जहां पर इसे रखना था। ये यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर का पूर्वोत्तर रेलवे का कारखाना है और इसमें मेन गेट के पास लेफ्ट साइड में अंदर की साइड एक गार्डन है। ये कारखाने का सबसे पहले एक 2D डायनासोर बनाया गया था जो मेटल सीट पर था, और ये 3D डायनासोर बनाया गया था पहला, और ये तीसरा ट्राइसेराटॉप्स बनाया गया है। इस तरह से कारखाने का तीसरा डायनासोर बनाकर ये पार्क में लगा दिया गया है। एक और सेल्फी पॉइंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेल्फी पॉइंट बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट्स एंड शेयर आवर वीडियोस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।